हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों आईपीएल 2025 को लेकर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन से वो खिलाड़ी होने वाले हैं जो कि मेगा ऑक्शन में आएंगे। मेगा ऑक्शन में आपको पता है कि क्या रूल्स होते हैं, आप आईपीएल देखते आ रहे हैं। तो मेगा ऑक्शन में पाँच बड़े नाम बताने वाला हूँ जो कि उतरने वाले हैं और उनको कौन कौन सी टीमें टारगेट कर सकती है। तो सबसे पहला नाम आता है भुवनेश्वर कुमार, स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार। हाल फिलहाल में इंडियन टीम में इनकी जगह नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं यंग खिलाड़ी। तो हालांकि इनका आईपीएल 2024 बहुत ही अच्छा रहा था लेकिन ये रिलीज होने वाले हैं, तो इनको पहली टीम चेन्नई सुपर किंग्स जो कि टारगेट कर सकती है दीपक चहर की रिप्लेसमेंट को लेकर। तो ये एक्सपीरियंस को ही तवज्जो देती है सीएसके की टीम। इनको इनके अलावा आरआर और एसआरएच दोबारा इनको टारगेट कर सकती है। एसआरएच की तरफ भी बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहा था, आपको कमेंट करके बताया कि कौन सी टीम को खरीदना चाहिए। दूसरा नाम था शिखर धवन। शिखर धवन जो कि इंजरी की वजह से आईपीएल 2024 में पूरा ही बाहर रहे थे और सैम करन ही मुझे लगता है कि कंटिन्यू करेंगे कप्तानी पंजाब किंग्स की आने वाली सीजन में, तो इनको गुजरात टाइटंस की टीम टारगेट कर सकती है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि ये खेलेंगे या फिर नहीं, रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, तो गुजरात इनको जहां पर टारगेट कर सकती है शिखर धवन और जहां पर शुभमन गिल एक अच्छा ओपनिंग प्लेयर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट नाम आता ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल हालांकि आईपीएल में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इनके आईपीएल के परफॉर्मेंस देखे होंगे आपने अगर उठा के देखे तो फिर भी इन पर ज़्यादा बोली लगने वाली है क्योंकि बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, डेंजरस खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहली टीम जो कि इनको टारगेट कर सकती है चेन्नई की टीम क्योंकि इसीलिए ये टीम जहाँ पर एक्सपीरियंस को तवज्जो देती है और साथ ही साथ जहाँ पर मोइन अली को खरीदना था इनको, इन पर भी जहाँ पर इनकर और आरसीबी के बीच में भिड़त हुई थी, तो दोबारा से इनको टारगेट कर सकती है और आरसीबी इनको टारगेट कर सकती है। पंजाब किंग्स, केकेआर और एमआईए जो कि टीमें सीएसके के अलावा इनको अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी। तो ग्लेन मैक्सवेल कौन सी टीम की तरफ से आप खेलते हो देखना चाहते हैं आईपीएल 2025 कमेंट करें। नेक्स्ट नाम आता क्विंटन डीकॉक जो कि ओपनर और विकेट कीपर बल्लेबाज एक्सपीरियंस्ड। सबसे पहले जो कि दो टीमें होंगी आरसीबी और मुंबई इंडियंस की टीम, आरसीबी को जैसे कि ओपनर की ज़रूरत और विकेट कीपर की ज़रूरत है, मुझे लगता है आरसीबी को इनको इन पर बोली लगानी चाहिए, दोबारा से अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। और दूसरा एमआई की टीम ईशान किशन शायद जहाँ पर होंगे रिलीज, तो इनको देख सकती है रोहित शर्मा, ये दोनों पेयर ओपनिंग पेयर दोबारा से वापसी कर सकते हैं एमआई के लिए। नेक्स्ट नाम आता है ईशान किशन जो कि रिलीज होने वाले मैंने कहा था, जो कि बड़े खिलाड़ी हैं और अच्छा प्रदर्शन रहा था, ठीक ठाक ही रहा था, लेकिन ओवर बिडिंग कर दी थी एमआई ने। इनको अगर रिलीज करती हो तो केकर की टीम इनको, पंजाब किंग्स की टीम और साथ साथ आरसीबी और एमआई द्वारा इनको टारगेट कर सकती है। पंजाब किंग्स की टीम को भी एक अच्छी टीम बनाने की ज़रूरत है, अगर हम पूरे आईपीएल के सीजन देखें तो ये इनकी टीम का ऊंच नीच ही प्रदर्शन रहता है 2014 के जहाँ पर सीजन को छोड़कर। केकर की टीम अगर गुरबाज नहीं मिलते तो इनको भी देख सकती है, गुरबाज को भी देख सकती है, मुझे लगता है इनको देखना चाहिए। और सीएसके अगर इनको टारगेट करती है तो ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होने वाली। दोस्तों ये थी आज की वीडियो चल गई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।